हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं शाजिया और आज आपके साथ मैं आपकी अपनी डेली स्किन केयर रूटीन जो है वो शेयर करना करने जा रही हूं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि घरेलू रेमेडीज़ के साथ ईजी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं अपने मेकअप को रिमूव करूँगी और मेकअप रिमूव करने के लिए मैं ये क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ। ये क्लिनजिंग मिल्क जो है ये एलोवेरा के साथ बना है और मेरी स्किन को बहुत ही मॉइस्चराइज रखता है और ना सिर्फ मेकअप उतारता है बल्कि कोई डैमेज भी नहीं करता। तो शुरू करते हैं। क्लिनजिंग मिल्क को हम अपने फेस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। और इसको अच्छे से रब करूँगी ताकि मेरी स्किन अच्छे से जो है उसका मेकअप निकल जाए। एक मिनट तक इसको अच्छे से रब करें और फिर कॉटन स्वाब से इसे साफ कर लूंगी। रब करने के बाद कॉटन स्वाब से अच्छे से अपना मेकअप जो है साफ कर लूंगी। बहुत सा मेकअप जो मेरी स्किन पे था उसके साथ बहुत सी डर्ट भी निकल रही है। इसको मैंने साफ कर लिया फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत सी डर्ट भी निकली है और मेकअप भी। अब मैं अपने फेस को पानी के साथ रिंस करूंगी। मैंने रिंस किया है। अब हम यूज करेंगे फेस वॉश। ये ओलेज का है फ्रेंड्स। ये थोड़ा इसमें स्क्रबिंग का मटेरियल भी मौजूद है और ये एंटी एजिंग है। ये हमारी एज के साथ साथ पड़ने वाले रिंकल्स जो हमारे फेस पे पड़ते हैं उससे भी हमें बचाता है। 2 से 3 मिनट तक इस फेस वॉश को अच्छे से स्क्रब करें जो हमारी स्किन को साफ कर देगा। फ्रेंड्स, इस फेस वॉश से ना सिर्फ हमारा फेस वॉश होता है बल्कि हमारे फेस पर जो डेड स्किन होती है, जो डर्ट होती है, वो भी अच्छे से क्लियर हो जाती है। अब मैं अपना फेस जो है उसको वॉश कर लूँगी। फेस वॉश के साथ फ्रेंड्स देखिए मेरी स्किन काफ़ी अच्छी साफ और क्लींस हो गई है। और अब मैं यूज़ करूँगी ये कोकोनट ऑयल। और ये फ्रेंड्स मैंने अपने घर पर बनाया है। मैरीगोल्ड फ्लावर्स और कोकोनट ऑयल जो है उसको मिक्स करके, और इसकी रेमेडी मैं जो है किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से बनता है। अब मैं अच्छे से इसको अपने फेस पे लगा लूंगी। अगर आपके पास कोई और चीज़ मौजूद है जो आप यूज़ करते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। आप बादाम का तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन को बहुत से फ़ायदे देता है। मैं यही यूज़ करती हूँ और आपको भी यही रिकमेंड करूँगी। अच्छे से अपनी स्किन को 2 मिनट के लिए इसका मसाज करें। इसको मैंने अच्छे से अपने फ्रेंड्स फेस पे लगा लिया है, यहाँ पे चिन के नीचे भी इस तरह से। अभी मैं अपने लिप्स पे लगाऊंगी। आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकती हैं लेकिन मैं वैसलिन यूज़ कर रही हूँ। लिप्स पे वैसलीन लगा के अच्छे से आप इन उसको भी मॉइस्चराइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी है डेली की नाइट स्किन केयर रूटीन। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप भी अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखिए और खुश रहिए। पानी बहुत ज़्यादा पीजिए और दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ आप सभी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।